नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरियाणा की मनोहर सरकार ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत करो और नौकरी पाओ। एमएटेक की पढ़ाई करने वाले एक व्यक्ति ने खर्चे के लिए सब्जी बेची और फेरी लगाकर चूड़ियां बेची। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में HCS की जारी की गई परीक्षा परिणामों में कैथल जिला के गाँव काकोत के डॉक्टर सुभाष प्रजापति ने सफलता का स्थान प्राप्त किया। पिछले कई वर्षों से JVT अध्यापक के तौर पर नौकरी कर रहे डॉक्टर सुभाष प्रजापति ने बड़ी गरीबी के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ी और तीसरी बार में HCS की परीक्षा पास करने में सफलता हासिल की। डॉक्टर सुभाष प्रजापति ने अपने जीवन में संघर्ष की कहानी बताते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नियत और नीति का गुणगान भी किया। डॉक्टर सुभाष प्रजापति ने कहा कि जब से हरियाणा में मनोहर सरकार आई है तब से बिना पर्ची और बिना खर्ची के अनेकों गरीब युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली है। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए उसे यह यकीन था कि एक न एक दिन उनकी मेहनत रंग लाएगी और आज वे अपनी कड़ी मेहनत से HCS अधिकारी बन चुके हैं। परंतु डॉक्टर सुभाष ने अपनी कड़ी मेहनत से दिन रात लगन से पढ़ाई की और HCS की परीक्षा पास कर ली। उनके पिता, माता, पत्नी और रिश्तेदार भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। अक्सर ये हम कविता पढ़ते हैं, पांचवी कक्षा में भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह जो कविता है आज मेरी इस सफलता पर बिल्कुल स्टिक बैठती है। इसी पर मैंने भी एक कविता लिखी है जो आपको मैं सुना रहा हूँ। मेहनत का फल मीठा होता भोग हमने देखा है, हाथ कुदाली सर पे तसला उठाकर हमने देखा है। मेहनत का फल मीठा होता भोग के हमने देखा है। सरसों के उन खेतों से बरसीम काट कर देखा है, वो रस की धारा दूध की धारा काढ़ के पी के देखा है। मेहनत का फल मीठा होता भोग के हमने देखा है, हाथ कुदाली सर पे तसला उठाकर हमने देखा है। नदी किनारे उस पटरी पर दौड़ लगा कर देखा है, नदी की उस कलकल ध्वनि को सुनकर हमने देखा है। मेहनत का फल मीठा होता भोग के हमने देखा है। आज जो मेरी ये सफलता है यह उसी ये जो कविता है मेरी इसी सफलता पर आधारित है, क्योंकि मैंने स्वयं मेहनत की, कोशिश की, अपने जज्बे को दिखाया। यह कविता उस पर बिल्कुल स्टिक बैठती है और यह मेरे दिल की आवाज़ है कि यदि हम मेहनत करते हैं, यदि हम कोशिश करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है, भगवान साथ देता है। और आज का माहौल तो ऐसा है कि उसमें मेहनत करने वालों की हार हो ही नहीं सकती, कोशिश करने वालों की हार बिल्कुल भी नहीं हो सकती। पढ़े करदा कोई बद फैली नहीं करी, कदे माँ बाप तो नहीं हो कर मारी अच्छी सेवा रखे करदा करके, और जी मेहनत कर दिन में भी रात ने भी
और बैर गया जी अपने सीधा घर आना, कड़ी गैर जगह नहीं बैठा। या मेरे ऊँ तो बच्चे चार हैं जी, सारे की ठीक चाल हालत है। तो मिन्नत आपे से पैसा नहीं दिया मैंने, कोई सिफारिश नहीं मारी, कोई मिन्नत पैसा नहीं दिया। हाँ जी, ये बाड़ी तो बहुत बढ़िया सरकार है जी, इतना काम करे उसने मारा। हाँ, मेहनत करी जी, मेहनत का फल दिया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इनके गांव में आकर इनके वास्तु स्थिति को देखा और जाना और वहाँ में बुलाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डॉक्टर सुभाष प्रजापति समाज से है, इनका गांव काकोत है। जैसा मुझे पता है पिछले 2 साल से मेरे पास कैथल में किराए के मकान पर रह रहा। जैसे मुझे पता लगा कि इन्होंने JBT टीचर है ये, और वीकेंड पर दिल्ली के मुखर्जी नगर में UPSC की कोचिंग लेने के लिए जाते थे, और जब इन्होंने मुझे पता लगा कि MA की है तब भी साइकिल पर फेरी लगाकर सब्जी बेचकर अपनी MA की और PhD तक पहुंचे। अभी जैसे इन्होंने इसको हौसले पस्त हो चुके थे, टूट चुके थे, 2018 में ये कैथल में हाँ किराए के मकान पर रहा, तो मैंने इसको बूस्ट किया, मैं ऐसा हौसला दिया आप लोग कुछ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो इस दौरान मैंने एक मोटिवेशन कैंप अपने घर पर लगाया, जिसमें मेरे अपने समाज के उच्च अधिकारीगण आए। मैंने 30-35 बच्चों को बुलाया, 40 बच्चों को। मैंने कहा कि इनको थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, इनमें ऊर्जा पैदा होगी। तो उस कड़ी में मोटिवेशन कैंप लगाने के बाद से जो फेयर सिलेक्शन हुई है, इसके बारे में कहना चाहूँगा, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, मेरे अपने समाज की बात करता हूँ मैं, कि HCS में कुल भी 5 बच्चे नहीं थे, परंतु इस जो रिजल्ट ने साबित कर दिया है कि बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुई और मेरे अपने प्रजापति समाज के 5 हरियाणा में 5 बच्चे एग्जीक्यूटिव में आए। और दूसरी बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मेरे प्रजापति समाज के गौरव मिस्टर मोहित प्रजापति जो महराणा गांव से है, वो भी प्रजापति समाज से, जिसने हरियाणा में टॉप किया। और इस सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नीतियाँ हैं कि पारदर्शिता के आधार पर नौकरी दें और क्लास 3 और क्लास 4 में इंटरव्यू को समाप्त करके गरीब समाज के बच्चों को, भले वो प्रजापति समाज का है, भले वो किसी अन्य समाज का है, जो गरीब समाज है गांव में, उनके बच्चों को एक सपना दिखाया कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में बहुत सारे बच्चों ने, जिनको कभी सपने में भी सोचा था मुझे सरकारी खजाने से पैसा मिलेगा, उन बच्चों को रोजगार दे के बहुत पुण्य का काम किया और आम जनमानस में विश्वास पैदा किया है कि अगर मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो जो जनसेवा के रूप में वास्तव में काम करे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई इनकी मेहनत का फल भगवान ने 8-9 साल से ये मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत का फल इनको मिल गया। उम्मीद थी अब की बार, कुछ अंदर से आवाज आ रही थी कि अब की बार हो जाएगा इनका, इस सरकार की ईमानदारी, जो गरीब से गरीब घर में अब की बार नौकरी मिल रही है वो कभी नहीं मिली, क्योंकि वो अमीरों के बच्चे लगते थे, वहाँ सिफारिश थी, पैसा था। लेकिन इस सरकार में हमने देखा है कि भाई गरीब से गरीब घर का भी बच्चा नौकरी कर रहा है, कि भाई जिसे उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि भाई इस घर में नौकरी मिल जाएगी इस बच्चे ने। तो क्या बिल्कुल मानती हूँ कि ये CM है जो खट्टर हैं, उन्होंने मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई है, तभी तो मेरे पति लगे हैं जी इस नौकरी पे, क्योंकि इनकी मेहनत है और कुछ नहीं, ना हमारे पास सिफारिश थी, ना ही कोई पर्ची थी, हमारे पास कुछ नहीं था, बस इनकी मेहनत थी। और जो आठ मेहनत किस तरह से इंस्पायर, इन्हें से बोला था कि भाई आप मेहनत करो, और हम मैंने भी जॉब कर रखी आशा वर्कर की, मैंने इनको खर्चे में भी, और जैसे बच्चे पढ़ रहे थे मैं इन पे आने नहीं दिया, क्योंकि ये बाद में लगे हैं, शादी के बाद ही लगे हैं, 2011 में लगे थे, उस मैंने 2005 में ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, उसमें मैंने घर का सारा खर्चा चलाती थी, मतलब इन पे आने नहीं दिया कि भाई इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये पढ़ते रहें, इनकी जैसे किताबों में कोई फार्म भरना हो उसमें मैं इनकी मदद बिल्कुल करती थी। तो क्या दिल से करती हूँ मैं उनका धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मेरे पति की मेहनत का रंग दिखा दिया, भी मेरे पति ने मेहनत की इतनी और आज उसका फल इनको मिल गया, HCS SDM बन गई है।